बंद है, वो तो लिफ्ट ही बंद है ना। हाँ, वो लिफ्ट ही बंद है। मैंने बोला था दो दिन पहले, ये लिफ्ट में सामान ऊपर आया ना गया। चलो ये नीचे जा रहा है भाई, यहाँ पर तुम काटना जिंदगी बहुत मुश्किल है। 6 महीने निकाल के अपने को कुछ ना कुछ रास्ता, जबकि वो औरत यहाँ रहने वाली भी नहीं थी। बताइए भर भर के उन लोगों ने सामान, और नीचे ना उस दिन तुमने देखा ना, सब लोग आके पूछ रहे थे किसका जा रहा है सामान, सब लोग पूछ रहे थे, मगर कोई बताने वाला भी नहीं है ना। वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैंने थोड़ा हेयर ऑयल लगाया, मैं जब बाल नहीं कटवाई थी तब मैंने सोचा ही था कि ये रूटीन कंटिन्यू करना है, तो आज ये किया। और अभी ऐसी मैं आज सुबह बहुत फ़ोन पे बात हुई, बाप रे बात करते करते मेरे को ऐसे लगा मैं कितना बात कर रही हूँ, तो थोड़े सत्संगी लोगों से बात हुई, अच्छा लगा। तो ऐसी है कि हम लोग मॉर्निंग में हम लोग शुरू करते हैं अपने सत्संग से, और पूरे दिन अभी किसी को अगर कुछ और है, जैसे पहले मैं पेंटिंग करती थी, अभी भी मन करता है कभी कभी करने का, तो करती हूँ मैं। फिर हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, तो बुक पढ़ते हैं तो कभी कुछ डाउट होता है तो कभी कोई किसी को फ़ोन कर लेता है, पूछ लेता है, ये सब करते हैं। मतलब हम लोग का ऐसा रहता है कि जो भी संसार की चीज़ें होती हैं, मतलब संसार हम उन लोग को गिनते हैं जो लोग आत्मधर्म नहीं करते हैं और कृपाणुदेव में नहीं मानते हैं, तो उन लोग का मतलब कि एक ज़िंदगी देखने का तरीका अलग होता है थोड़ा। तो उन लोग क्या करते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको कुछ भी बोलते हैं, ऐसा सब करते हैं। तो ऐसे मोस्टली ऐसा होना चाहिए कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर फ़र्क पड़ जाता है। तो जब फ़र्क पड़ता है तो हम लोग एक दूसरे की हेल्प लेते हैं, हम लोग बोलते हैं भाई इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, फिर उसने ऐसे बोला, फिर मुझे ऐसे लगा। मगर मेनली हमारा पर्पज़ होता है एक दूसरे को बताना कि हम कितना जुड़ गए और हमको नहीं जुड़ना था, मेन लक्ष्य तो वो है। पर क्योंकि हमारी आत्मा इतनी कमज़ोर होती है और कर्म इतने अनादिकाल से हम अपने आप को देह मान के, जब वो ही मान के जीते थे ना, तो हम लोग वो बहुत कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हम लोग अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को हम ये करें। कभी अगर कोई गुस्सा है, जेन्युइन गुस्सा हो सकता है, सामने वाले की 100% गलती हो सकती है, मगर कृपाणु देव का एक वचन है किसी का दोष नहीं है, मैंने कर्म बांधे हैं मतलब मेरे ही दोष हैं, इस तरह से हो जाता है। तो जिस तरह से उन लोग बताते हैं हम लोग को, उसी तरह से हम लोग कृपाणु देव के शब्द को लेके, और कैसा है कि कृपाणु देव के जब शब्द लेके आप कोई चीज़ को अपने आप अपनी आत्मा को बताते हैं ना, तो वो जल्दी से अपने रिएक्शंस कम कर सकते हैं, तो ऐसा हम लोग करते हैं। तो बस वो सब किया, और अभी बज रहे हैं 12:15। आज स्वाति तो आई, ठीक लग रही थी उसकी तबीयत, तो वो आई, तो मैंने बोला गुड आ गई तो अच्छी बात है। तो बस यही था, अभी थोड़ी देर में मैं जो काम कर रही हूँ वो करने के बाद फिर मैं मेरे को एक दो बैंक वालों से बात करनी थी, क्योंकि हम लोग को कुछ अकाउंट खोलना था। तो राकेश बोलता है कि उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो वो मैं उसमें खोल लूँ करके, तो मैंने बोला ठीक है तो वो करेंगे। हाँ चलिए देखते हैं अभी आगे लाइफ में क्या होता है, दिन में क्या होता है, आपको बताएंगे। हाय एवरीवन, तो मैं ऑफिस से जल्दी आ गया परमिशन लेके मैनेजर का, और रात भर क्योंकि मैं जगा हुआ था, सोया बिल्कुल नहीं हूँ मैं, तो अभी मैं थोड़ा सोऊंगा, फिर 1-2 घंटे सोने के बाद वापस मैं ऑफिस जाऊंगा। चलिए चलते हैं, आपसे मिलते थोड़ी देर में, बाय। तो ये रहा हमारा सनसेट, और राकेश आ गया था जल्दी, जैसे उसने बताया आपको कि रात में कल एक्टिविटी थी, कल पूरे दिन तो उसने शिफ्ट की, फिर रात में एक्टिविटी थी उसने की, तो वो एक्टिविटी पूरी की, और फिर अभी वो उसको बोला कि तुम जा सकते हो, मतलब अभी अगर तुमको घर जाना है तो तुम जाओ, क्योंकि आज फिर से एक्टिविटी है। एक्टिविटी होने का मतलब कि जो मशीन्स के अपग्रेड्स होते हैं और वो सब, तो कोई भी चीज़ अगर प्रोडक्शन में रहना, मतलब कि अगर कोई चीज़ उसको एक्सेस कर रहा है, जैसे कि कोई, जैसे आपका मान लो फ्लिपकार्ट ऐट है, ऐप है, या ऐसा कुछ भी है, तो उसको जब वो प्रोडक्शन में रहता है तो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन तो पूरे टाइम रहता है, मगर उसको कैसे किया जाता है, वो लोग नॉट, ही इज़ नॉट इन टू सम ऐप काइंड ऑफ अ थिंग, ऐसा मत समझो, मैं समझा रही हूँ खाली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो कोई भी चीज़ उन लोग को तब करना पड़ता है, दे कैन डू द अपग्रेड ओनली देन। तो इसीलिए फिर उसको भेज दिया दोपहर को घर में कि आप जाके ये कर सकते हैं,
सो सकते हैं ताकि रात को फिर से उठना पड़ेगा। तो ही केम बैक, मगर वो जब से आया है मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं सोया होगा, उसको एक कॉल आ रहा था, फिर उसने उससे बात की तो तब से वो उधर है। आप देखेंगे तो आवाज़ आएगी, मैं थोड़ी ही दूर जाऊंगी और आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ी ही दूर जाऊंगी क्योंकि मैं इट इज़ लाइक नहीं दिखा सकते हर चीज़ ना। आई विल शो यू, देखिए पे है अंदर। मंगाया था हम लोगों ने ज़ेप्टो से और ये पूरी तरह से फट चुका है, जबकि इसे यूज बाय 30 था और आज ही 30 है। तो ये हम लोग इसको फोटो खींच के इसको हम लोग वापस भेजेंगे जो फट गया है दूध। नंबर एक। नंबर दो, कि मैं ऑफिस आया था, वापस मुझे ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि कुछ दो बहुत बड़े इशू आ गए थे और उन्होंने मुझे बुलाया, वापस हो गया, मैं दोनों इशू रिजॉल्व किया, फिर वापस मैं अभी घर आया हूँ। तो आज मुझे ऑफिस के दो चक्कर लग गए, घर से नहीं कर सकते थे क्योंकि दूसरे लोग वहाँ पर थे फ्लोर पे, उनके साथ मुझे कोलाबरेट करना था थोड़ा, क्या किया क्या नहीं किया उन लोगों ने। चलिए अभी मैं करने जा रहा हूँ एडिटिंग, डिनर ऑलमोस्ट रेडी है तो सोनू भी थोड़ा रिलैक्स मोड में है, थोड़ी देर में मिलते हैं। एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट और हो गई है रात, और अभी क्या करना है, अभी सिर्फ राइस चढ़ाना है गरम गरम, बाकी का तो उन्होंने तैयारी ऑलरेडी कर रखा है। तो आज मैं तो शायद जल्दी सो जाऊंगा, मेरी हालत अभी से थोड़ी ये लग रही है। दिन में भी आया था तो मैं सोने, लेकिन फिर दो मेजर इश्यूज आ गए हैं उसमें मैं जल्दी जग गया, फिर से आज मेरे को लगता है एक घंटा भी अच्छे से नहीं सो पाया मैं, आज तो मैं जल्दी सो जाऊंगा। लेकिन आज फिर मेरी छोटी सी रात की एक एक्टिविटी है 3-4 घंटे की, देखते कैसे करते हो।